आज यानी 15 जून को इंडिया में द फ्लैश मूवी रिलीज हो गई है और हो सकता है कि ये मूवी आपने देख ली हो और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो या फिर आप प्लान कर रहे हैं ये मूवी देखने का। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो एकदम आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिकैप देने वाला हूं फ्लैश के कैरेक्टर का जो हमें दिखा था पिछले DCEU में, और मैं आपको बताने वाला हूं कि द फ्लैश मूवी देखने से पहले आपको कौन कौन सी मूवी देख लेनी चाहिए। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको चीजें फटाफट बताता चलूंगा। और बस उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना यार, क्योंकि एक वही चीज मुझे मोटिवेटेड रखती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। DCEU में हमें फ्लैश का सबसे पहला इंट्रोडक्शन करवाया गया 2017 की जस्टिस लीग मूवी में, बट मैं लेके चलूंगा 2021 में आई जस्टिस लीग जो कि जैक स्नाइडर ने अपना कट निकाला था। फ्लैश की सुपर पावर के बारे में तो यार आप सभी को पता होगा कि फ्लैश के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है। अब ये पावर उसे कैसे मिली थी ये हमें अभी तक DCEU में नहीं बताया गया है, तो मे बी हमें ये बताया जाएगा इस द फ्लैश मूवी में। बट जस्टिस लीग के लास्ट में हमें ये दिखाया गया कि फ्लैश अगर चाहे तो अपनी स्पीड से लाइट की स्पीड को भी क्रॉस करके एक न्यू स्पीड अचीव कर सकता है। और ये बहुत फेमस थ्योरी तो आपने सुनी ही होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रेवल करता है तो वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो द फ्लैश मूवी में कुछ ऐसा ही होने वाला है जहाँ पर बैरी अपनी स्पीड को यूज कर टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करेगा और पास्ट में जाकर अपनी मॉम की डेथ को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि पूरी टाइमलाइन मेस्ड अप हो जाएगी और जो हमें द मैन ऑफ स्टील में जनरल जॉर्ड दिखाया गया था वो वापस आ जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता जनरल जॉर्ड कौन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2013 में आई द मैन ऑफ स्टील, आप उसे जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसी मूवी में होने वाले इवेंट्स हमें इस मूवी में दोबारा दिखाए जाने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको देखनी है द मैन ऑफ स्टील, के बाद आपको देख सकते हो जस्टिस लीग स्नाइडर्स कट। और इस मूवी में हमें बेन एफ्लेक वाले बैटमैन भी देखने को मिलने वाले हैं, और अगर आपको उनके बारे में भी नहीं पता तो आप जाकर देख सकते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। तो यार आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि द फ्लैश DCEU की एंड गेम जैसी मूवी होने वाली है। तो अगर आपने एंड गेम देखी होगी तो उससे पहले भी आपको मार्वल का सब कुछ पता होना चाहिए था ना, तो उसी तरीके से अगर आप द फ्लैश देखने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको DCEU के पीछे का पास्ट सब पता होना चाहिए, तभी आपको वो मूवी समझ आएगी। और अगर आपको द फ्लैश मूवी के बारे में और कुछ जानना है या फिर आपको देखना है कि ये कॉमिक से कैसे रिलेटेड है, तो आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर सकते हैं द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स करके, आपको पूरी की पूरी स्टोरी पक्का मिल जाएगी कहीं ना कहीं। और मेरे से पूछो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा वो कॉमिक बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई वो बहुत ही ऑसम कॉमिक है, वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स ऑफ DC यूनिवर्स। तो हाँ यार, मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी मूवीज इंपॉर्टेंट है द फ्लैश से पहले देखने के लिए, तो उनमें आती है द मैन ऑफ स्टील, उसके बाद आप देख सकते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, के बाद आप देख सकते हैं जस्टिस लीग स्नाइडर्स कट, और आप प्रीफर कर सकते हैं कॉमिक बुक द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में द फ्लैश के रिव्यू के साथ, मैं भी जाऊंगा उसे देख के आऊंगा मूवी को जरूर। तो यार आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एंजॉय करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।